देश भर में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें भी बढ़ गई थी। एक तरफ उन्हें संक्रमण से खतरे का डर था तो दूसरी तरफ उनके पेट पालने के जुगाड़ का भय। लेकिन उदयपुर शहर में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इन दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के लिए कई मसीहा बाजारों में दिखाई दे रहे हैं और इनके पेट पालने की व्यवस्था भी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मसीहा से मिलाएंगे जो उदयपुर के एकमात्र पूर्व पार्षद हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक जरूरतमंदों की सेवा करने की ठानी है। जी हाँ, नाना लाल वया पूर्व में पार्षद रह चुके हैं और तब से लेकर अब तक हर विषम परिस्थिति में जरूरतमंदों का ख्याल रखते आए हैं। उदयपुर के 100 फीट रोड पर पहली नेकी की दुकान भी इन्होंने ही खोली थी। दुकान के नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ नेक कार्य ही किए जाते हैं। नाना लाल और उनके साथियों द्वारा रोजाना अपने स्तर पर करीब 1500 फूड पैकेट का वितरण किया जा रहा है और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक यह सेवा अनवरत रूप से जारी भी रहेगी। निगम के कई वर्तमान पार्षद भी ऐसे समय में अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं। वहीं पूर्व पार्षद नाना लाल वया द्वारा यह नेक कार्य सभी के लिए एक सीख है। मेरी तरफ से ये खाने का जो कार्यक्रम है जो मेरी तरफ से रखा है, दिनांक 22 मार्च से पूरा विश्व इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। कोरोना से डरना नहीं, अपन को लड़ना है। इसी निमित्त हमने दिनांक 23 मार्च से हमने भोजन वितरण का कार्यक्रम स्टार्ट किया था। निरंतर हम लोग रोज के करीब 1500, 1700, 1800 जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे हम लोग भोजन वितरण करते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस दिहाड़ी मजदूर जो रेन बसरे में रहने वाले, सड़कों पर रात गुजारने वाले, ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया है। करीब ऐसे 700-800 परिवार है जिनको नियमित हम दोनों टाइम भोजन पहुंचा रहे हैं। हमारे पास में करीब 30-40 जनों की टीम है जो व्यवस्था में लगी हुई है। हमारा शेड्यूल बना हुआ सुबह शाम का, हम सुबह का भोजन 11-11:30 बजे, शाम का भोजन 5-5:30-6 बजे तक हम लोगों तक पहुँचा देते हैं। स्वास्थ्य का हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। हमारी टीम सब अपनी सुरक्षा के अनुसार काम कर रही है और व्यवस्थित काम कर रहे हैं। हम लोग हमारा रूट रखता है, एक रूट तुम्हारा चलता है पूरा यहाँ से हुए डेलीगेट, डेलीगेट से दान मंडी, दान मंडी से अमल का कांटा, कांजी का आटा, बटियानी छोटा, ठोकर चौराया। दूसरा रूट निकलता है हमारा गांधीनगर, आदर्श नगर, कालका माता, चित्रकूट नगर, मीरा नगर और आर के चौराया। एक रूट निकलता है हमारा बेगनी पुलिया, कालका माता रोड, कुमारों का भट्टा, बीएन कॉलेज और कौन जाते होटल, हाँ सूरजपोल, इस सिंधी धर्मशाला। इस तरह से हमने चार रूट बना रखे हैं हमने। और महावीर जयंती की आप देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज महावीर जयंती का पर्व है, महावीर स्वामी का जन्मोत्सव है। उस जन्मोत्सव पर हमने आज खीर पूड़ी, लापसी और पूड़ी का कार्यक्रम रखा है। कल हमने खीर पूड़ी बनाई थी, आज हम शाम को दाल बाटी देंगे। 23 तारीख से लेकर आज 6 तारीख तक हमने करीब 22,000 पैकेट का भोजन का वितरण कर चुके हैं हम, और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। जब तक सरकार प्रशासन लॉकडाउन को नहीं लेती है तब तक हम भोजन की व्यवस्था करते रहेंगे।